भाइयों को कि देश में रह रहा है तो ये बोलना होगा देश छोड़कर चले जाओ, नहीं जाने वाले यहाँ ही रहेंगे। अब बाप पर तुम्हारी आंख में आप डर के लड़ने के मुकाबला उनके डरने और घबराने का नाम मजलिस से इत्तेहाद नहीं है। जैसा अभी आपके शेर ने कहा ना कि जो मजलिस में आता है उसको पहले समझा दिया जाता है कि यहाँ आए तो घबराना नहीं, ये जिगर वालों की जमात है जिसके पास जिगर। बहुत सीटी बजाने का टाइम आएगा बता दो तो शुरुआत हुई है, शुरू हुई है। बहुत बड़ा तक देखा और बड़े बड़े दिखा जाए अगर क्या किया 70 साल की आजादी के बाद भी आज आपको उसको दिखाना पड़ता है, हमारी नेशनलिज्म को दिखाना पड़ता है, हमारी पेट्रोटिज्म को प्रूव करना पड़ता है कि हम इस देश के सच्चे नागरिक है। अरे नहीं दिखाएंगे तो मरना है, मारो नहीं मानता नहीं मानो जाओ नहीं दिखाते क्या लगा दे रखा रुको रे जो आ रहा है बेकसूरों को मारा जा रहा है। अखलाक से लेके नागरी से लेके नौवान को लेकर दिल्ली में मारा गया तो क्या हम खामोश बैठे चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे? तुमने हमारे घरों में जागना शुरू कर दिया, हमारी तपेलियों में जागना शुरू कर दिया, हम क्या खाते हैं क्या पकाते हैं क्या रखते हैं, अरे कुछ होते गोले ये सब पूछने वाले भाई। आज ये हालात क्यों पैदा हुए, क्यों इस तरह से एंटी दादागिरी बढ़ती जा रही है, क्यों आएगी एक दूसरे को मारा जा रहा है रस्तों पे, क्यों घर से निकाल निकाल के काटा और फटकारा जा रहा है? क्योंकि मेरे भाइयों कहीं ना कहीं आप सोचो किसकी गलती है, हमारी गलती हमें हाथ रही है, हम मुत्तहिद नहीं है, एकता नहीं है। अगर हम एक हो गए जिस दिन इंशाल्लाह किसी की ताकत नहीं है, किसी की मां नहीं जड़ी जो अखलाक को घर से निकाल के मार सके, किसी की मां नहीं जड़ी जो वारिस पठान को असेंबली के बाहर खड़े होकर ये बोल सके कि देश में रहना हो तो ये कहना होगा। मगर कमजोरी हम है, अब वक्त आ चुका है 313 के फिर भी सबसे भारी क्यों इतिहास मुतहिद थे, जज्बा था कौम के लिए करना था तो अल्लाह की भी मदद गैब से आई। आज अगर हमारा एक एक भाई एक हो जाए ये सोच ले कि हम हमको हमारे भी हक लेना है, हम भी इस देश के सबसे पहले नागरिक है, जितना हक तुम्हारा है उतना हक हमारा है। अगर तुमको तिलक लगा के पगड़ी बांधने का अधिकार है तो हमको भी टोपी पहनकर दाढ़ी रखने का अधिकार है। ये समझ लीजिए उस दिन मेरे भाइयों किसी में साखत नहीं होगी कि हमको ये कह सके कि इस देश में रहना होगा तो फला 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 कहना होगा। मगर देखा ये जा रहा है कि चुनाव के पहले हमारी बस्तियों में नेता आते हैं, बड़े नेता आते हैं और आपके यहां तो चोरों का बादशाह है, आदर्श स्कैम का इतना बड़ा बादशाह आपके यहां से मुख्यमंत्री बोला जिस देश की रोटी खाता है वहां देश की जो जवान सरहदों पर निगहबानी करते हैं जब उनकी जानें चले जाती है शहीद हो जाते हैं और जो उनकी विधवाओं का हक होता है जो उनकी विधवाओं। दाऊद बेग अफरोज पेश करते हैं हाई क्लास फैशन फैब्रिक्स सूटिंग्स एंड शर्टिंग्स ओल्ड ईदगाह रोड राइन बाजार हैदराबाद पर। आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों इफ्तिताह अमल में आ चुका है।